हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 से 8 का कार्यपत्रक 74। दिनांक है 29 सितंबर 2020 और आज की हमारी वर्कशीट जो है वो है हिंदी विषय की वर्कशीट। तो आप देखें आज की वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगे जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो, उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। तो अब हमें मालूम है हम अपने बर्थडे के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं। हमारा बर्थडे आने वाला है, अब इतने दिन बच गए, इस बार हमारा बर्थडे इस सोमवार को पड़ रहा है, मंगलवार को पड़ रहा है, ये सब देखते हैं ना, प्लानिंग करते हैं क्या करेंगे बर्थडे पे। तो उसी प्रकार जैसे हमारे लिए हमारे बर्थ डेट यानी हमारी जन्मतिथि महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए और विश्व के लिए बहुत सारी ऐसी तिथियाँ होती हैं जो पूरे देश के लिए, विश्व के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आज हम उन्हीं ऐसी तिथियों के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले क्या है यहाँ पर, शिक्षक दिवस किस दिनांक को था, ये तो आपको पता होगा। कब था शिक्षक दिवस? 5 सितंबर। शाबाश। अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। आपका प्रिय शिक्षक कौन है और वो आपको प्रिय क्यों लगता है, इस बारे में आपको कार्ड पर लिखना है। तो अब जैसे यहाँ पर हमने अपने शिक्षक का नाम लिखा, मेरी प्रिय शिक्षिका हैं, ठीक है। तो यानी खाली स्थान पे आपको अपनी शिक्षिका का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी शिक्षिका का नाम लिखेंगे। फिर वो मुझे कौन से विषय की अध्यापिका, ये भी बताना होगा। खाली स्थान यानी यहाँ आपको लिखना है कौन सा विषय पढ़ाती हैं, विषय पढ़ाती हैं। और उसके बाद अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे और चौथे पॉइंट में आपको ये बताना है कि वो आपको अच्छी क्यों लगती है, और ये आप स्वयं बताएंगे क्योंकि ये आपके विचार हैं कि आपको वो शिक्षिका या शिक्षक अच्छे क्यों लगते हैं। तो उनके बारे में जो दो बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं वो दो बातें आपको यहाँ पर खुद लिखनी हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम 2 अक्टूबर पे। तो 2 अक्टूबर आने वाला है और 2 अक्टूबर पे किसका जन्मदिन होता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। पता था आपको ये? गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं लिखिए तथा उनका चित्र बनाइए। अब चित्र तो यहाँ से आप देख कर बना ही सकते हैं, चित्र तो दिया हुआ है ऑलरेडी। और गांधी जी के बारे में कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो जो हमारे महात्मा गांधी हैं वो क्या थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और फिर उनकी सबसे खास बात क्या थी, वे सत्य और अहिंसा पे विश्वास रखते थे। सत्य और अहिंसा यानी वो लड़ाई झगड़े जो हैं उस पर विश्वास नहीं रखते थे, सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था बिना लड़ाई करे भी हम जीत सकते हैं अहिंसात्मक तरीके से। तो वे सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते थे। और क्या करते थे उन्होंने, क्या किया, और उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से यानी बिना हथियार उठाए अहिंसात्मक तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो उसमें कौन से थे उनके, सत्याग्रह, अनशन, ये उनके अहिंसात्मक तरीके थे जिनसे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो ये हो गए महात्मा गांधी के बारे में कुछ अच्छी बातें। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है अब हमारे पास 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है। तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं,
रिपब्लिक डे, और उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गणतंत्र दिवस। क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। इसके अलावा 24 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस और 1 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये आपको पता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सर सीवी रामन के जन्मदिन पर। अब सीवी रामन कौन है? सीवी रामन एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे बेटा, जिन्हें फिजिक्स में उनकी उपलब्धियों के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब देखते हैं आगे और क्या है। आगे कुछ और दिवस दिए हुए हैं हमें, कौन कौन से? 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 22 जुलाई राष्ट्रीय आम दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 21 जून विश्व योग दिवस एंड विश्व संगीत दिवस, ये तो आपको याद होगा 21 जून, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 15 अगस्त, जल्दी बताओ 15 अगस्त क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्वतंत्रता दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, किसकी याद में? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महान योगदान की याद में। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। तो अब इतनी सारी तिथियां आपको पता चली कि आपके जन्मदिन के अलावा भी कितनी सारी तिथियां हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन तिथियों को याद करके इन दिवसों को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग।